सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी डिफेंस शेयरों को लेकर जो सिर्फ प्यार से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कोचिंग से प्यार, गार्डनशिप बिल्डर्स हो गया, मजगांव डोको, इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस स्टडी सेशन के दौरान जब इन तीनों शेयरों में तेजी बनी थी, ठीक है, ये शेयर भी आप लोगों देखो भी 2000 के ऊपर में निकल गया था, ठीक है। इसने जो हाई बनाया था पीछे आई थिंक 2018 रुपये के आसपास का, गार्डनशिप बिल्डर्स है ये भी आप लोग देखोगे 6% के करीब उछल चुका था। मजगांव डोको इसमें भी 2% के करीब की तेजी रही थी, फ्लैट क्लोजिंग इसकी, हालांकि हमें देखने को मिले ना तेजी ना गिरावट, ठीक है, फ्लैट रहा है ये। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे इन शेयरों में ऐसा अचानक क्या हुआ कि इसमें हमें जो ना भी इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिला, हालांकि ये भी फ्लैट हो चुका था तेजी के बाद, बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे स्टॉक में 4.5% के करीब फॉल आ गया भाई एकदम से। तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बोला कोचिंग, सीपीआर, मजगांव डोको, मैंने तीनों स्टॉक कवर किए थे। इन तीनों में मैंने सबसे पहले तो आपको एक बात बोली, ये जो तेजी बनी है इनमें ये सस्टेनेबल है, इसके ऊपर कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहीं आप लोग ये तेजी देख के एकदम पैसा डाल रहे हो तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। SIP कीजिए, हर गिरावट में खरीदारी करते रहिए, थोड़ी थोड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एकदम पैसा नहीं डालना है। उसके बाद भी नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, आपने वीडियो देखी होगी जाकर वहाँ पर, कि आप बोल रहे थे खुशखबरी खुशखबरी, भाई खबरें भी तो देखा करो ना कहाँ पर आ रही है। तो मैंने वीडियो बना दिया, तीनों स्टॉक कवर किए हैं, तीनों के अंदर ऐसे तो बोलने से रहा मैं भी, गार्डनशिप बिल्डर्स में ये हो गया, उसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, थंबनेल पर ऐसा तो बोलने से रहा। तो जो खुशखबरी आई है जिसकी वजह से स्टॉक में एक्शन बनी है, वो तो आपको देखो जब स्टॉक में तेजी थी तब किसी के कमेंट नहीं आए, जब टूटने लगे उसके बाद भाज भाज कर आए कमेंट करने, आपने फंसवा दिया, ये करवा दिया। भाई मैंने किसी को नहीं फंसवाया, फंसे आपकी खुद की गलती की वजह से। आप लोग मेरे को प्रीवियस वीडियो में जाकर ये दिखा दो कि मैंने वहाँ पर ही बोला कि इनमें खरीदारी करो, पैसा लगाओ भी, हाँ से इनमें बॉटम बन गए, ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला। और अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, इन शेयरों में अभी भी हम विश्वास नहीं कर सकते, बिकॉज इन शेयरों में अपनी जो एवरेज गिरावट जिनमें होती है ना अभी, उनसे ज़्यादा स्टॉक टूट चुके हैं। और इससे पहले इन शेयरों में रैली बनी है, उस रैली के बाद ये करेक्शन बन रही है। तो ये भी इस लेवल के ऊपर अभी ये आइडेंटिफाई कि ये बॉटम कहाँ पर बनाएगा, ये बन भी चुका है, ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले गिरावट के पीछे का रीज़न समझो भाई, आखिरकार गिरावट क्यों हुई है, ठीक है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो। तो गिरावट के पीछे रीज़न है MSCI इंडेक्स में अपडेट आना, ठीक है, MSCI इंडेक्स में अपडेट आना कि भी देखो, सबसे पहले तो 13 तारीख को जब अपडेट आई तब ये शेयर टूटा कोचिंग सीपीआर, उसके बाद 30 तारीख को इसके अंदर आप लोग देखोगे बदलाव होने थे। पहले तो इसमें अनाउंस कर दिया भी MSCI इंडेक्स में या स्टॉक में, यहाँ पर इनफ्लो आएगा, यहाँ पर आउटफ्लो आएगा, उस टाइम पर इनमें आउटफ्लो आएगी, ये खबर थी MSCI इंडेक्स में कि जो कोचिंग सीपीआर है इसको बाहर किया जाएगा, इरेडा को बाहर किया जाएगा, फुडको को बाहर किया जाएगा, सारे स्टॉक टूटे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान लास्ट में जाकर। तो ये कारण है भाई यहाँ पर, क्योंकि 30 तारीख को बदलाव होने थे, बदलाव हुए हैं, वॉल्यूम हाई इंक्रीज हुई है क्योंकि वहाँ पर बेचे गया माल, इस वजह से स्टॉक ये टूटे हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझो, जो गार्डनशिप बिल्डर्स भैया नहीं टूटा, खबर तो यहाँ पर आई थी, MOU तो साइन इसने किया था, ऊपर से जरूर टूटा लेकिन रहा तो तेजी में, ठीक है। मजगांव डोको में खबरें आई हुई थी 4 से 5 हज़ार करोड़ की डील हो सकती है जर्मनी के साथ, ठीक है, जो स्पेयर पार्ट होते हैं सबमरीन के या फिर फुल सबमरीन हो गई तो उसके रिगार्डिंग डील हो सकती है, अभी हुई नहीं है, हो सकती है आगे चलकर। तो ये खबरें मार्केट में आई, तो स्टॉक ये पॉजिटिव क्लोजिंग लेते हुए, पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे, फ्लैट क्लोजिंग लेते हुए नजर आए। तो ये दोनों स्टॉक्स में खबर थी, कोचिंग सीपीआर में तो कहीं कोई खबर ही नहीं थी भाई, खबर आई वो आपने देखी नहीं, उसके बाद हमें ब्लेम कर रहे हो। तो भाई ये थोड़ा सा देखो, किसी के ऊपर ब्लेम करने से पहले पहले देखो भाई वहां पर क्या बोला जा रहा क्या नहीं। तो अब यहां पर अगर आपकी इन तीनों स्टॉक्स में एंट्री है या फिर आप लोग खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो एकदम पैसा मत डालो भाई, इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है, एकदम पैसा मत डालो, इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए, बॉटम बनेगा वहां पर खरीद लेना, ब्रेकआउट सारे वहां पर खरीद लेना। लेकिन अभी टाइम कहीं पर नजदीक मेरे को ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहे इनके अंदर, तो अभी टाइम तो इनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना ही ठीक रहेगा। आप लोग कोचिंग सीपीआर है ये 30-35% के ऊपर में गिर गया है, गार्डनशिप बिल्डर्स है ये भी आप लोग 37-38% के करीब टूटा हुआ है, मजगांव डोको है ये आप लोग 28-29-30% के आसपास ये भी टूटा हुआ है। तो इन शेयरों में इतनी बड़ी जो गिरावट आई है एवरेज से ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए इनमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना ठीक है, एकदम पैसा डालने के बजाय आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी इनमें बना रहे हो। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, बॉटम वगैरह सपोर्ट वगैरह मैं आपको क्या बताऊँ, भी देखो एक झटके में सपोर्ट टूट जाते हैं, एक झटके में फिर ऊपर आ जाते हैं, तो इसलिए सपोर्ट वगैरह पे ध्यान मत दो अभी के टाइम, ये टाइम है SIP करने का, और आगे आपकी मर्जी भी आपको इस शेयरों में भाई क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए कोचिंग सीपीआर के रिगार्डिंग खबर आई है,
वो खबर देख लेते भी वो खबर आखिरकार क्या है, इसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि वीकेंड में आई ना भाई, कल के दिन आइए शनिवार को, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी कंपनी की तरफ से 31 तारीख को कल मार्केट क्लोजिंग के टाइम एक नोटिस पब्लिश किया गया NSE BSE की साइट पर, आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। तो यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट के अंदर में चेंजेस देखने को मिला है भाई। देखो कि इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म दैट श्री नीलकांदन AN एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है कंपनी के अंदर शिप बिल्डिंग्स में, ये आप लोग देखोगे भी क्या बोलते हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो रिटायर्ड हो चुके तो इनकी जगह पर कोई और आएगा अभी सर्विस में इसमें, तो इसलिए ये कंपनी ने अपडेट दिया है कि ये रिटायर हो चुके हैं अपने पद से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, तो इसके जगह पर कोई और आएंगे, तो ये मैनेजमेंट में चेंजेस हुआ, तो इसका भी थोड़ा बहुत देखो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और बाकी देखते हैं भाई कल के दिन कैसा क्या माहौल बनता है इस शेयर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।